हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ एंड मलेरिया स्पेक्ट्रम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कराएंगे मलेरिया। मलेरिया के बारे में बताएंगे, मलेरिया क्या है, क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या साइन और सिम्टम है और किस वेक्टर के कारण होता है, कौन सा मॉस्किटो काटता है इसमें, वो सब कुछ इसमें क्लियर कराएंगे। आ जाओ। मलेरिया, मलेरिया क्या है? एक वैक्टर बॉर्न डिजीज़ है। मलेरिया वैक्टर के कारण होने वाली बीमारी है। इसको दूसरा नाम से भी जाना जाता है, वो क्या है? ब्लैक वाटर फीवर। ब्लैक वाटर फीवर क्या है? इसमें क्या है, जब ये कॉम्प्लिकेशन है उसका, मलेरिया का मॉस्किटो जो है काटेगा तो ब्लैक वाटर फीवर कॉम्प्लिकेशन छोड़ेगा। ब्लैक वाटर फीवर क्या है, इसमें आरबीसी जो होती हैं वो बस्ट हो जाती हैं। जब आरबीसी बस्ट हो जाएंगी इसके अंदर से, हीमोग्लोबिन के अंदर से, तो ब्लड वेसल जो होती हैं ब्लड के अंदर, वो सीधे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। इसी वजह से इसको ब्लैक वाटर फीवर बोला जाता है, क्योंकि इसमें आरबीसी डैमेज हो जाती हैं, बिल्कुल बस्ट हो जाती हैं। और इसको जंगल फीवर भी बोला जाता है, क्योंकि जंगलों में ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है, इसीलिए जंगल फीवर बोला जाता है इनको। और प्रोटोजोन और पैरासाइट, ये प्रोटोजोन और पैरासाइट के द्वारा होने वाली बीमारी है, इसलिए प्रोटोजोन डिजीज़ बोला जाता है। ठीक है, अब प्रोटोजोन में क्या है, मलेरिया इज मोस्ट कॉमन प्रोटोजोन डिजीज़। जो सबसे ज़्यादा प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है, वो है मलेरिया। और सेकंड मोस्ट कॉमन प्रोटोजोअल डिजीज़ कौन सी है, जैसे एग्जाम में आ जाएगा, मोस्ट कॉमन डिजीज़ ऑफ प्रोटोजोअल डिजीज़, मोस्ट कॉमन डिजीज़ प्रोटोजोअल डिजीज़, मतलब सबसे मोस्ट कॉमन डिजीज़ प्रोटोजोअल वाली कौन सी है, तो हम लोग बताएंगे मलेरिया। और सेकंड मोस्ट कॉमन प्रोटोजोअल डिजीज़ तो बताएंगे काला अजर होता है, उसको बताएंगे। इसी को ब्लैक डेथ भी बोला जाता है, काला अजर को ब्लैक डेथ बोला जाता है, इसी को डमडम फीवर बोला जाता है, ये इसके नाम है। ये सेकंड मोस्ट कॉमन प्रोटोजोअल डिजीज़ है। ठीक है, अब आते हैं मलेरिया डे। मलेरिया डे कब मनाया जाता है? जैसे हमने टीबी डे बनाया था, डेंगू डे मनाया था, ऐसे ही मलेरिया डे भी बनाते हैं। सबका एक दिन होता है, इसको बनाते हैं 25 अप्रैल को हम लोग इसको बनाते हैं। और इसका टारगेट क्या है, इसका थीम क्या है 2020 का, वो भी होंगे। जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी, ये जो 2020 का थीम है, जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। ये 2020 का थीम था, क्या है, रीचिंग द मलेरिया, वो जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी, मतलब सबसे पहले मलेरिया को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले मेरे अपने से स्टार्ट करते हैं, ये इसका थीम था। और 2021 का थीम है, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। क्या है, 2020 का थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। थीम का मतलब है कि उसका एक थीम दे दिया जाता है कि अब हमें क्या करना है इस डे पे, अब हमें क्या करना है। जैसे कि अभी 2020 में हमने बोला था कि जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी, मतलब जीरो मलेरिया जो है सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ये फर्स्ट, ये 2020 का हो गया। 2021 का रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट का मतलब है हम जीरो मलेरिया टारगेट पर पहुंचते चले जा रहे हैं, ये टारगेट हो गया इसका। और अब एक क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, जैसे आने वाला एग्ज़ाम है DSSB का, उसमें कैसे पूछा जाएगा कि टारगेट वो थीम ऑफ 2020 ऑफ मलेरिया, मलेरिया 2020 थीम,
2020 थीम क्या है, जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी आंसर में हो जाएगा। और 2021 का थीम पूछेगा तो बता देंगे रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। अब मलेरिया में फंडिंग कौन सी एजेंसी करेगी, USAID, ये क्या है, एक एजेंसी है, ये एक एजेंसी है USAID जो कि मलेरिया के लिए फंडिंग करेगी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर ये क्या है USAID, ये मलेरिया के लिए फंडिंग करती है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अगर कहीं भी मलेरिया फैलेगा तो कौन सी कंपनी, कौन सी एजेंसी जो है फंडिंग करेगी, तो हम बताएंगे USAID। एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाएगा कि USAID दे रखा होगा या फिर फुल फॉर्म दे रखी होगी ये, कि ये किसके, किस बीमारी के लिए फंडिंग करती है, तो हम बताएंगे मलेरिया के लिए करती है, या फिर मलेरिया में कौन सी एजेंसी फंडिंग करते तो USAID करती है, ठीक है, क्लियर है। कॉजेटिव एजेंट मतलब जो इस किसके द्वारा ये बीमारी फैल रही है, ये प्लास्मोडियम के द्वारा फैल रही है। प्लास्मोडियम कौन सा है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मलेरिया किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, कॉज पूछ रहा है, तो इसमें मच्छर नहीं डालेंगे हम लोग, फीमेल है ना, फ्लीज नहीं करेंगे, वो मच्छर काटने के कारण होता है, इसमें डालेंगे प्लास्मोडियम के कारण होगा। मलेरिया किस कारण होता है, तो प्लास्मोडियम के कारण होता है, मच्छर का नाम नहीं लिखेंगे। अगर पूछेगा अगर हाँ कि किस मच्छर के काटने से होता है, तो फीमेल एनाफिलीज के नाम कारण, काटने के कारण होता है, वो हम आगे पढ़ाएंगे, आगे आएगा। ये क्या है, देयर आर 4 टाइप्स मलेरिया है, कितने टाइप हैं, 4 टाइप हैं। पहला है PVVX, एक एक करके हम बताएंगे। फर्स्ट है PVVX, वाईवैक्स में क्या है, मोस्ट कॉमन जो है कौन सा देखने को मिलता है, PVVX जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है इंडिया में और वर्ल्ड में भी, दोनों में, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 10 से 17 डेज है, 10 से 70 डेज। अगर एक वर्ड में पूछे तो 14 डेज बता देंगे, 14 डेज है। और इसमें क्या देखने को मिलता है, बेनाइन टर्शियन मलेरिया देखने को मिलता है। इसमें क्या है, अल्टरनेटिव 2 डेज फीवर रहता है, बेनाइन टर्शियन मलेरिया किस में देखने को मिलेगा, PVVX में मिलेगा, पी का मतलब प्लास्मोडियम वाईवैक्स, और बेनाइन टर्शियन मलेरिया का मतलब हो गया अल्टरनेटिव 2 डेज फीवर, अल्टरनेटिव 2 दिन बुखार रहता है, 2 दिन छोड़ करके अल्टरनेटिव फीवर आता है इसमें, जैसे एक दिन आ गया तो एक दिन छोड़ दिया, फिर एक दिन आ गया फिर एक दिन छोड़ दिया, तो इसी को बोलेंगे बेनाइन टर्शियन मलेरिया, या फिर अल्टरनेटिव 2 डेज फीवर भी बोल सकते हैं, एक दिन छोड़ करके ऐसे फीवर आता है मलेरिया में, उसी को बोला जाता है बेनाइन टर्शियन मलेरिया। उसको बोलेंगे कि इसको प्लास्मोडियम वाईवैक्स ने का कारण रहा होगा, काटने का कारण रहा होगा। दूसरा है प्लास्मोडियम फैल्सीपेरम, ये क्या है, ये दूसरा पार्ट है मलेरिया के द्वारा होने वाला, दूसरा स्पीसीज है, ये सेकंड मोस्ट कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। ये फर्स्ट पे तो वाईवैक्स मिलता है, वो नहीं होगा तो सेकंड पे ये वाला होगा, ये सेकंड मोस्ट जो है पाया जाएगा इंडिया में। अब आते हैं ब्लैक वाटर फीवर, ब्लैक वाटर फीवर जैसे कि हमने बता ही दिया था, इसमें क्या है RBC बस्ट हो जाती हैं, RBC बस्ट हो जाएंगी, RBC बस्ट हो जाएंगी, तो ब्लड वेसल होते हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती हैं, ब्लड वेसल जो होती हैं, इसी की वजह से जो है हीमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिलेगा।
ब्लैक वाटर फीवर की वजह से, हीमोलाइटिक एनीमिया सीन इन मलेरिया। अब आते हैं मलेग्नेंट टर्शियन मलेरिया। मलेग्नेंट टर्शियन मलेरिया क्या है? ये मोस्ट डेंजर है, मोस्ट डेंजर। ये मोस्ट डेंजर क्यों है? ये क्या करता है, ये एक कोल्ड स्टेज बनाता है मलेरिया के अंदर। जैसे ठंड लगती है ना, वो स्टेज बनाता है मलेग्नेंट टर्शियन मलेरिया। इसमें क्या होता है, जो कैपिलरी होती है ना, कैपिलरी जो है ब्लॉक हो जाती है इसके अंदर। जब कैपिलरी ब्लॉक हो जाएंगी तो जो मलेरिया हुआ है वो व्यक्ति जो है कोमा में चला जाएगा और हार्ट फेल होने के चांस है, हार्ट फेलियर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम तक जीवित नहीं रह सकता इंसान। ये इसीलिए इसको बहुत ख़तरनाक स्टेज बताया गया है। इसमें क्या है, जो वैसल होती हैं, वैसलों का ब्लॉकेज हो जाता है इसके अंदर। ब्लॉकेज हो जाएगा तो कोमा हो जाएगा, जो आदमी को मलेरिया है वो कोमा में चला जाएगा या फिर हार्ट फेलियर हो जाएगा। हार्ट फेल हो जाएगा तो आदमी वहीं ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए इसको ख़तरनाक स्टेज माना गया है। इनक्यूबेशन पीरियड कितना होता है फैल्सीपैरम का, प्लास्मोडियम फैल्सीपैरम का? इसका होता है 8 to 17 days। अगर एक वर्ड में पूछेगा तो 12 days बताएंगे, ठीक है। अगर और फिर एक स्टेज और आती है सेरिब्रल एडिमा। इसमें क्या है, ये भी फैल्सीपैरम में देखने को मिलता है। इसमें क्या है कि जो ब्रेन होता है ना, उसके साइड से इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा और फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा ब्रेन के साइड से। ये भी खतरनाक स्टेज है। ब्लड के साइड जो ब्रेन होगा उसके साइड से जो है फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, इसी वजह से ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, मोस्ट कॉमन डेंजर स्पीशीज इन मलेरिया तो बताएंगे फैल्सीपैरम, ठीक है। सेकंड मोस्ट स्पीशीज ऑफ मलेरिया, सेकंड मोस्ट स्पीशीज कौन सी है मलेरिया की, वो है फैल्सीपैरम, प्लास्मोडियम फैल्सीपैरम, ठीक है। सेकंड मोस्ट पॉजिटिव मलेरिया है, ठीक है। ब्लैक वाटर फीवर इसका कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन क्या है, आरबीसी को बस्ट कर देगा। जो ब्लड वेसल होती हैं वो टॉयलेट के थ्रू बाहर निकल जाती हैं, इसी वजह से इसमें हीमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। अब है मलेग्नेंट टर्शियन मलेरिया, ये मोस्ट डेंजर है। ये पूछा भी जाता है मलेग्नेंट टर्शियन मलेरिया किस स्पीसीज में, मलेरिया की किस स्पीसीज में देखने को मिलेगा, वो मिलेगा प्लास्मोडियम फैल्सीपैरम में, ठीक है। या फिर ये बोलते फैल्सीपैरम में कौन सा देखने को मिलेगा, तो मलेग्नेंट टर्शियन मलेरिया। इसमें क्या है, जो वैसलें होती हैं ना, वैसलों का ब्लॉकेज हो जाता है, सॉरी वैसलों का वैसल बस्ट तो इसमें होती हैं, ठीक है। इसमें कैपिलरी ब्लॉकेज हो जाएंगी, कैपिलरी अगर ब्लॉक हो जाएंगी तो आदमी कोमा में चला जाएगा, नहीं तो हार्ट फेलियर हो जाएगा, आदमी वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगा। इनक्यूबेशन 18 to 17 days है, अगर एक वर्ड में पूछेगा तो 12 days बताएंगे। सेरिब्रल एडिमा, ये भी फैल्सीपैरम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सेरिब्रल एडिमा किस स्टेज में देखने को मिलेगा, किस स्पीसीज में, मलेरिया की किस स्पीसीज में देखने को मिलेगा, तो बताएंगे सेरिब्रल एडिमा। सेरिब्रल एडिमा क्या है, ब्रेन के आउटर मोस्ट लेयर में फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, उसी को बोलेंगे इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन हो गया है ब्रेन के अंदर। अब तीसरी स्पीसीज आती है प्लास्मोडियम मलेरिया। ये 1% इंडिया में पाया जाएगा, केवल 1% पाया जाएगा। सबसे ज़्यादा वाइवैक्स पाया जाएगा, उसके बाद 70% जो है वाइवैक्स पाया जाएगा, 80% जो है प्लास्मोडियम फैल्सीपैरम पाया जाएगा। ये प्लास्मोडियम मलेरिया इंडिया में 1% पाया जाएगा। इसका इनक्यूबेशन पीरियड कितना है, वो 18 to 14 days इसका इनक्यूबेशन पीरियड है। और ये 28 days, अगर वन वर्ड में पूछेगा तो 28 days बता देंगे, ठीक है। ये केवल इंडिया के कर्नाटका में पाया जाता है, ये केवल इंडिया में कर्नाटक स्टेट में पाया जाएगा, ठीक है। इसमें क्वार्टन फीवर देखने को मिलता है। क्वार्टन फीवर का मतलब है फीवर आफ्टर 4 days। इसमें क्या है, इसमें फीवर जो है 4 दिन बाद देखने को मिलेगा। जैसे आज हो गया,
आज फीवर आया किसी को, अगर ये वाला मलेरिया हुआ है, मलेरिया प्लास्मोडियम मलेरिया हुआ है, तो क्या होता है उसमें, जैसे आज आज जो है फीवर देखने को मिला है, उसके चार दिन बाद दोबारा फीवर देखने को मिलेगा, फिर उसके चार दिन बाद देखने को मिलेगा, ये इसका कॉम्प्लिकेशन है। क्या है ये कॉम्प्लिकेशन है? क्वार्टन फीवर, इसीलिए क्वार्टन फीवर बोला जाता है, क्योंकि ये आफ्टर 4 डेज आता है, जैसे आज आ गया फिर 4 दिन रुके फिर आएगा, ठीक है। इनक्यूबेशन पीरियड तो पता ही होगा, जो जो भी पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करा है उस टाइम से लेकर के जब तक वो साइन और सिम्टम दिखाता है, उस टाइम के 20 के पीरियड को जो है इनक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है, वो क्या 80 to 40 डेज है पी मलेरिया में। अब आएंगे फोर्थ पी ओवेल, ये भी मलेरिया की एक स्पीसीज है जो नॉट फाउंड इन इंडिया, ये अदर वर्ल्ड में देखने को मिलेगा, लेकिन इंडिया में नहीं मिलता है। ये कौन सा पी ओवेल, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेता है इन इंडिया, इंडिया में अपने इंडिया में कौन सी मलेरिया की स्पीसीज है जो देखने को नहीं मिलती है, तो क्या बताएंगे पी ओवेल, नोट करके लिखेंगे। मलेरिया स्प्लीन और आरबीसी, ये क्या है मलेरिया इफेक्ट स्प्लीन और आरबीसी, स्प्लीन और आरबीसी को अफेक्ट करता है मलेरिया। किसको करता है, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था, डेंगू जो है लीवर को अफेक्ट करता है, लीवर को डैमेज कर देता है, ख़राब कर देता है, ऐसे ही मलेरिया किस ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, मलेरिया करेगा स्प्लीन और आरबीसी, आरबीसी की वजह से हीमोलाइटिका अनीमिया देखने को मिलता है इसमें मलेरिया में, ठीक है।